हार्दिक पटेल हमारे साथ जुड़ गए। हार्दिक पटेल, किस तरीके से देख रहे हैं इस फैसले को आप? देखो, बहुत सालों के बाद ये डिसीजन आया है और हाईकोर्ट का है, तो बड़ी बात यह है कि जो पूर्व विधायक थी माया गुडना ने उसको बरी कर दिया हाईकोर्ट ने, और जो बाबू बजरंगी को जो उम्र कैद की सजा थी वो कहीं ना कहीं हाईकोर्ट ने उस पर कोई फैसला नहीं लिया, वो शुरू ही रखी है। तो कहने की बात यह है कि जो भी कानूनी फैसला होगा उसको मानना पड़ेगा, क्योंकि माया गुडना ने उस टाइम वहाँ के विधायक थे। और कई बात जो कोर्ट ने कही है वो ये कि मासूम है, निर्दोष है माया गुडना। क्यों निर्दोष कहा गया है उसे सारे स्टेटमेंट भी देखने बहुत जरूरी होते हैं, क्योंकि जब नरोड़ा गांव में हत्याकांड हुआ उसी टाइम ये कहा गया था कि माया कुटनानी ने बहुत सारे भड़काऊ भाषण भी दिए थे वहां पर, ऐसे स्टेटमेंट भी दिए थे, इसकी वजह से बाबू बजरंगी ने सारा फैसला लिया है। तो हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं जो अभी फैसला लिया है उस मुद्दे पर बहुत सारे स्टेटमेंट भी देखने पड़ेंगे। अब देखने की बात ये कि जो फरियाद जिन्होंने एफआईआर की थी वो सुप्रीम में जाते या नहीं जाते, या फिर बाबू बजरंगी सुप्रीम में जाते या नहीं जाते, वो सारे फैसले देखे जाएंगे। लेकिन अभी माया पुराने को बरी करना भी एक बड़ा सवाल भी होगा, या फिर क्यों बरी किया वो भी बड़ा सवाल होगा। बाबू बजरंगी को जो उम्र कैद की सजा है वो अभी भी कायम रखी गई, उसको जमानत भी नहीं दी जा रही, तो बड़ा एक पॉलिटिकल स्टैंड। आप इस फैसले पर क्या क्यों जैसे सवाल उठा रहे हैं हार्दिक? देखो, स्वाभाविक तौर पे बाबू बजरंगी के बहुत सारे स्टेटमेंट भी ऐसे थे और बहुत सारा स्टिंग भी थे कि उन्होंने जो भी किया था वो उस समय की भाजपा सरकार के आदेश पर किया था, तो फिर कहीं ना कहीं उस टाइम के विधायक माया गुडना ने को बरी करना भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन कानूनी न्याय तंत्र पर हमें भरोसा रखना पड़ता है और उनके लिए गए फैसलों पर कभी सवाल नहीं उठते, लेकिन एक आजाद हिंदुस्तान के अंदर सवाल उठाए जाते। बस देखने की बात यह कि अब सुप्रीम कोर्ट पर जाने के बाद क्या फैसला होता है और माया गुडनानी को राहत मिलती है या नहीं। हार्दिक, आप एक ही वक्त में दो तरह की बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हैं न्यायालय पे विश्वास ही है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि क्यों कर दिया गया, कैसे कर दिया गया, ये समझना होगा। सवाल तो किया जा सकता है, बात होती है ना कि अदालत अगर किसी को बरी कर दे तो इसका मतलब ये है कि वो दोषी नहीं है, उसके खिलाफ वो सबूत नहीं है, पुख्ता सबूत नहीं है, सबूत के आधार पर अदालत अपना काम करती है। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल सबूत के आधार पर ही किया जा सकता है, उसमें कई दिक्कत भी नहीं है और उसमें सवाल नहीं। लेकिन एक सवाल भी उठाना चाहिए ना कि उसके साथ ही बाबू बजरंगी भी थे, बाबू बजरंगी को उम्र कैद की सजा कायम रखी है, माया गुडनानी को भी उस सेशन कोर्ट के जो निचले कोर्ट है उन्होंने भी सजा दी थी, लेकिन उनको जमानत पर रिहा किया गया था। अब हाईकोर्ट का फैसला है तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला बड़ा मायने रखता है ना, क्योंकि इतने साल हो गए 2002 के बाद, इतना बड़ा मोमेंट है और इस मोमेंट पर हर कोई सवाल करता है, कई निर्दोष मरे गए, कई निर्दोषों की जान ली गई है, तो सवाल बड़ा ये रहता है कि आज भी बहुत सारे लोग जेल के अंदर है तो क्या उनके केस अभी शुरू क्यों नहीं हुए, इनका जल्दी से जल्दी स्टेटमेंट क्यों आता है, उनका डिसीजन क्यों आता है। तो हाईकोर्ट ने जो निर्णय लिया है उसका स्वागत हर कोई करता होगा, लेकिन सवाल भी साथों साथ करना पड़ता है। जी हार्दिक, मैं एक चीज आपसे जानना चाह रहा हूँ, बाबू बजरंगी पर जो फैसला कोर्ट का है उससे आप संतुष्ट हैं? देखो, मेरा जब तक पॉलिटिकली अगर ये मानना हो या मेरा व्यक्तिगत मानना हो तो मेरा ये भी मानना है कि बाबू बजरंगी को भी सुनना चाहिए कि उसके इसमें कहने पर ये सब हुआ है। तो आपको क्या लग रहा है कि कोर्ट ने जो फैसला दिया है, दोनों को लेकर फैसला दिया, एक को एक की सजा बरकरार रखी है, दूसरी की सजा उन्होंने कह दिया बरी कर दिया, उन्होंने कहा है कि वो निर्दोष हैं, तो आप क्या ये मान रहे हैं कि कोर्ट ने जो भी फैसला सुनाया है वो सही है ना, या आप उस पर सवाल खड़ा करेंगे? चलिए, हार्दिक पटेल ने फोन काट दिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से जो फैसला सुनाया गया है वो फैसला क्यों सुनाया गया है इस पर सवाल है, और इसको देखना भी होगा कि आखिर कोर्ट ने ऐसा फैसला क्यों सुनाया है, माया गुडनानी को क्यों बरी कर दिया है। लेकिन आज की बड़ी खबर हम आपको बता दें, हाई कोर्ट की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है कि नरोड़ा पाटिया हिंसा मामले में माया गुडनानी बरी हैं, माया गुडनानी को निर्दोष कहा है अदालत ने। दरअसल आपको बता दें कि इस मामले में जिन लोगों को सजा सुनाई गई थी उन्होंने कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट की तरफ से यह फैसला आज सुनाया गया है। बाबू बजरंगी की सजा बरकरार रखी गई है, लेकिन माया गुडनानी जो कि मंत्री रही गुजरात सरकार में, विधायक थी जिस वक्त ये दंगा हुआ, उस वक्त जिस वक्त हिंसा फैलाई गई उस वक्त वो विधायक थी, अब उनको कोर्ट की तरफ से बरी कर दिया गया है।